हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सुबह सुबह देखिए मैं बैठ गई हूँ बस में और मेरे साथ एक बेटा है, मेरी फ्रेंड प्रोमिला। तो आज मैं प्रोमिला को लेके जा रही हूँ उसके पति से चुरा के। तो बड़ी दूर जा रहे हैं हम लोग। आज हम घूमने जा रहे हैं। सुबह सुबह निकल गए हैं 7:30 बजे। तो गाइस, आज सुबह सुबह प्रोमिला को सारा काम निपटाना पड़ा अपना। गाइस लेगी आज क्लास, एक्सपीरियंस मिलेगा। सही बात है। तो गाइस चलते हैं फटाफट से। अभी बस में बैठ गए थे 7 बजे, तो देखते हैं कितने बजे हम करनाल पहुंचेंगे। 1.5 घंटा लग जाएगा, 1.5-2 घंटे। तो देखते हैं गाइस कैसा रहता है इवेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग मेरी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद आपसे। और एसी बस में बैठे हैं। प्रियंका मैप में सर्च कर रही है लोकेशन को। अब हम यहाँ से लोकेशन देखते हैं किधर को जाना है। गाइस आप देख सकते हैं हम चल रहे हैं लोकेशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस अभी हमारी पैदल यात्रा ही हो रही है, ये जा रही है प्रियंका। मॉर्निंग वॉक हो रही है, मॉर्निंग वॉक भी हो गई है। तो थोड़ा सा ही था, 5 मिनट का रास्ता, तो हमने सोचा तो पैदल ही चले, तो हम पैदल ही चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं करनाल रोड है, ब्यूटीफुल सिटी है, अच्छा लगा हमें आके। फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, देख सकते हैं गाइस पैदल यात्रा। बस में बैठ के परेशान हो गए हम। तो गाइस प्लान एक है, इसके फोन में लोकेशन हमें जहाँ पे जाना है, और ये आज करेगी ब्लॉगिंग। आज का डे इसका है, मेरा ब्लॉगिंग का आज करेगी, आज मैं करूँ। सिखाते हैं ब्लॉगिंग करना, फिर इसका भी चैनल आने वाला है। जैसे भी पहुंच चुके हैं अपने इवेंट पे जहाँ हमें पहुंचना था। ये है द प्रेम प्लाजा। तो हम अपने लोकेशन में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये है हमारा लोकेशन। आइए आइए प्रियंका। हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं, आगे एंट्री करते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। पहुंच चुके हैं, ये देखिए, वाओ। सो गाइस हम हो चुके हैं रेडी इवेंट के लिए। आप देख सकते हैं हमारी लुक। तो गाइस हम घर से मेकअप नहीं करते आए थे कि बस में आना था, हम इस बार सारा मेकअप टूट जाता था। हमने यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया, सिर्फ टचअप किए। तो आप देख सकते हैं शुरू होने में इवेंट थोड़ा टाइम है,
हम तब तक लेते हैं ब्रेक थोड़ा। Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Hello guys, so हमारा हो रहा है breakfast. कुछ नहीं खाते हैं बहुत दिन हो गए. सर ने बोला है कि पहले ब्रेकफास्ट, तो क्लास शुरू. सो गाइस ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. यहाँ पे ब्रेकफास्ट लगा हुआ है हमारा. ब्रेकफास्ट स्नैक्स चाय साथ में गाना हो जाए. क्या कहते हैं, गरम चाय की प्याली हो. मेरा बिंदिया मेकओवर से करनाल से. एवरीबॉडी नोन मी, माय नेम इज आल्सो बिंदिया. ओके मैम, शी इज वेरी नाइस. थैंक यू मैम. तो गाइस क्लास में मिला था 10 मिनट्स का ब्रेक, तो कंटिन्यू हो रही है क्लास और बहुत ही मज़ा आ रहा है क्लास में. और आज हम बता देते हैं, हम आए हैं एक सैलून की तरफ से लॉरियल प्रोफेशनल क्लास में. तो सर ने काफ़ी अच्छा आज हेयर स्पा की क्लास थी हमारी, बहुत अच्छा समझाया सर ने. तो जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं सर. अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमें बहुत. ये दिव्या मैम है जो हमें करनाल में मिली है. शी इज़ वेरी नाइस. आज हमने लॉरियल क्लास में बहुत इंजॉय किया और इतने अच्छे लोगों से हमने आज मिले हैं. शी इज़ वेरी नाइस. और मुझे आज का दिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि लॉरियल की क्लास थी और इतना अच्छा हमने इंजॉय किया और सीखा. नया हेयर स्पा था उनके बारे में आज नया सर ने बताया. सर भी बहुत अच्छे हैं. राहुल सर हैं. राहुल सर तो मिलते हैं गाइस आपसे. वही नो आंदा ही बोलना. ये स्टूडेंट है बाकी के. हेलो करो सब. सारे हेलो बोलो. तो गाइस सारे स्टूडेंट्स आए हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से. अब क्लास लेने के लिए कैसी लग रही है क्लास सर की? सर तो अभी बाहर हैं. सर वो तो रहे. सर की भी ले लो थोड़ी. सर लेने नहीं देंगे. नहीं सर, स्टूडेंट के साथ सर होना चाहिए. ये लो सर की नहीं, थोड़ा सा सर नहीं, नहीं। इनके नहीं कहेंगे, ऐसे ले लो बस. लाइट चली गई थी क्या? अभी लाइट क्लास ज्वाइन अगेन. तो हो गई है क्लास स्टार्ट. तो गाइस क्लास हो गई है फिनिश हमारी. तो अब लंच लग गया है, लंच करके चलेंगे घर. कैसी लगी क्लास? चिली जो माई फेवरेट, माई फेवरेट सिरका प्याज. ओके ना है हक्का नूडल्स, मंचूरियन, हक्का नूडल्स, जीरा राइस, अपना दाल फ्राई और अपना लास्ट ये है
कढ़ाई पनीर जो हम लेंगे डाल लीजिए। ये है हमारी प्लेट। तो गाइज मैं भी खा लेती हूँ। सो गाइज अब प्रोमिला ले लिया स्वीट डिश खीर। तो अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसी लग रही है, बाकी टेस्ट करके बताते हैं। So guys, खीर हम खा चुके हैं और आइसक्रीम आ गई है। आइसक्रीम खीर बहुत अच्छी थी, अब आइसक्रीम टेस्ट करके देखेंगे। ये है प्रियंका के लिए, ये है मेरे लिए। सो हम बताओ खा के लिए वेट कर रहा हूँ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मस्त फ्रूट्स, पर इन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट, बहुत अच्छी रिफ्रेशमेंट दी है सर। स्टडी भी बहुत अच्छे से कराई हमें, थैंक यू भैया, क्लास बहुत अच्छी लगी। तो फटाफट इंजॉय करते हैं आइसक्रीम। सो गाइस हमने कर लिया है चेंज, हो चुका है पैकअप, आप देख सकते हैं पूरा खाली हो चुका है। सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में जा रहे हैं। ये प्रियंका, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, देखते हैं कैसे जाना होता है हमारा, बस में जाते कैसे जाते हैं। गाइस अंदर तो एसी में बैठे थे हम, बाहर को निकलने के लिए तो बहुत ज़्यादा डर लग रही है तभी वाली। सो गाइस हम बैठ चुके हैं ऑटो में, हमें यहाँ से तो बस मिली नहीं, हम जा रहे हैं नए बस स्टैंड में। बस बहुत ज़्यादा भरी हुई है, यहाँ बहुत ज़्यादा रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बोलो। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं करनाल के बस स्टैंड पे और हमारे साथ एक कोइंसिडेंट हुआ है। जिस बस में हम सुबह आए थे गाइस वो दिल्ली गई थी और दिल्ली से वापस जा चुके हैं, हमें वो वहीं पे लेके जा रहे हैं और उसी सीट पे हम बैठे हैं जिस सीट पे हम बैठे हैं। सर वही कंडक्टर है, नहीं पैसे लगे आपको। सो गाइस बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और हम एसी बस ढूंढ रहे थे, हमें मिल चुकी है। हम पुराने बस स्टैंड पे नहीं मिली, वहाँ पे वैसी बसें चल रही थी, फिर हम न्यू बस स्टैंड आए और वैसे ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, भीड़ हो रही थी, इसलिए वहाँ पे बस आती बहुत ज़्यादा देर में। हमने टाइम पता किया था तो हमारे न्यू बस स्टैंड मिल गया, बस पहुँच जाएंगे एक घंटे टाइम पे, एक सवा घंटे में हम टाइम पे कर लेंगे। बोलो। सो गाइस एंजॉय विद स्प्राइट, ठंडी ठंडी तो आप एंजॉय करते जाएंगे स्प्राइट में यमुनानगर में और सुबह की आपको निशानी दिखाती हूँ इसकी, ये क्या छुपा के क्या निशानी लगाई गई थी अपनी जहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस क्लियर लिया आज हमने, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और पम्ला की ब्लॉग कैसी लगी प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए जब आप ये ब्लॉग देखें। तो हम ब्लॉग को हम करते हैं, अब करते हैं ब्लॉग को एंड और मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।